अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो आज हम बना रहे हैं मटन कीमा, वो भी तवे पे। सो सबसे पहले तो हम इस क्या कहते हैं, पुट द फायर ऑन। बिस्मिल्लाह। आग जला ली हमने। सो तवा गया ऊपर, अच्छे से मैंने साफ कर लिया था इसको। ये हमारे पास है मटन कीमा, तकरीबन 1.5 पाउंड। एक मीडियम प्याज, मीडियम टमाटो, तकरीबन 2 चम्मच, 3 दरमियान हमारे पास है जो जिंजर गार्लिक है चॉप किया हुआ, एक सब्ज मिर्च है। ये थोड़ा गार्निश के लिए हमारे पास है सामान, ये गया। उसके अलावा जीरा गरम मसाला, वो एंड में जाएगा। देसी घी बना रहे हैं, देसी घी में से आधा कप देसी घी है। और जो मसाले हैं हमारे पास, जो है ना, कुटी हुई काली मिर्च और रेड पेपर आधी आधी चम्मच, कश्मीरी मिर्च जो है वो भी आधी चम्मच, बाकी जितने मसाले हैं एक एक चम्मच है, हल्दी है, सूर मिर्च है, नमक है, कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ धनिया। सो तवा जो हमारा गर्म हो गया, इस पर डालते हैं घी जो हमारे पास है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमने, हमारे पास है एक करी पत्ता, इसको काट लेते हैं। ये गैस में थोड़ा देखें, तेल बहुत गर्म है और ये स्टोव भी बहुत गर्म है। और साथ में आधी चम्मच है ना वो जीरा डालते हैं इसमें, लगता है 30 सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लेते हैं ऑयल में। बाकी कोई खराब मसाला नहीं इसके अलावा जो जाएगा, वो सब जो है वो पिसे हुए। अब इसमें डालते हैं जो हमारे पास जिंजर गार्लिक है चॉप की हुई, तो इसको लग थोड़ा कलर चेंज करना है इसका, ज्यादा नहीं पकाना है इसको। ये हो गया, देखें लाइट ब्राउन हो गया। अब जाएगा प्याज, प्याज में मैंने थोड़ा मोटा काटा है, इससे ज्यादा बारीक नहीं चॉप नहीं किया, वो देखना। सो प्याज को हमने देखें ब्राउन कर लिया है, जबरदस्त हो गया। थोड़ा पानी लगाते हैं इसमें, ये गया, ज्यादा नहीं लगाना क्योंकि मसाले डालने हैं। जैसे मैंने बोला आपको पहले, मसाले आधी आधी चम्मच जो हमारे पास से कुटी हुई काली मिर्च और सूर मिर्च, क्रश पेपर आधी चम्मच, कश्मीरी मिर्च, बाकी एक एक चम्मच है कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ धनिया, सूर मिर्च, हल्दी और नमक। इसको लग 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, इसमें फ्राई कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से मसाले को। जबरदस्त, थोड़ा पानी तो लगाते हैं क्योंकि मसाला सूख रहा है। सो लेर बैरा मैंने बर्न है, सो थोड़ा पानी लगा लें इसमें। सो अब इसमें डाल लेते हैं हमारा जो वाह स्मेल स्ट्रांग। सो अब डालते हैं हमारे पास टमाटो एक और एक सब्ज मिर्च है, ये दोनों गए इसमें। इनको लग 1 मिनट के लिए थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं मसाले में, और बाद में इसमें जो हमारे पास मटन कीमा है वो डालेंगे इसमें। तो ये गया 1.5 पाउंड जो है ना कीमा, मटन कीमा, ये गया इसमें। हमने इसको अच्छे से धो लिया है। Thank you.
इसको अच्छे से ना मसाले में मिक्स कर लें और थोड़ा भून लें इसको पहले, बाद में पानी लगाते हैं थोड़ा सा। एक मटन और ऊपर से देसी घी, अभी साथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हैं, ज्यादा लगाने से वो नीचे गिर जाएगा तो तवे पे, थोड़ा थोड़ा पानी एज नीडेड। माशाल्लाह यकीन करें बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही जबरदस्त। थोड़ा पानी और ऐड कर लेते हैं अभी, तो ड्राई होता रहेगा, सूखता रहेगा, पानी ऐड करते रहेंगे थोड़ा, तकरीबन एक दो कप के करीब पानी लगाना पड़ेगा इसको कंप्लीट मुकम्मल तैयार होने के लिए। ये जो लास्ट पानी था मैंने लगा दिया, अब इसके बाद पानी नहीं आया, तकरीबन तैयार हो गया हमारा जो कीमा है। अब इसकी अच्छे से बनाई काले दो तीन मिनट के लिए, और कीमा जो है वो तैयार है। थोड़ा गरम मसाला डालेंगे उसके ऊपर, सीजनिंग करेंगे सब्ज मिर्च अदरक और सिलांट्रो से धनिया से, एंड दैट्स इट। ये कीमा हमारा तैयार हो गया, अब इस पे डालेंगे एक चम्मच जो है ना गरम मसाला, और इसको बस एक आध मिनट के लिए हल्का सा मिक्स करेंगे और दैट्स इट। इसको उतारेंगे कि तवा बहुत गर्म है, अगर ज्यादा रहा तो ये नीचे बर्न हो जाएगा सारा। बिस्मिल्लाह, ये देखें, सो जो कीमा हमारा वो तैयार हो गया। अब इस पे लगाएंगे थोड़ा सा सब्ज धनिया, अदरक, जिंजर है जो, और साथ में चाप की हुई सब्ज मिर्च। बिस्मिल्लाह करते हैं, टेस्ट करते हैं। हमारी रोटी तैयार होके आ गई गरम गरम, बस सोचा बाहर ही बहुत जबरदस्त मौसम है, सो यहीं बैठ के इंजॉय करते हैं इसको। सो ये ले, इसको कवर कर दें पहले। बिस्मिल्लाह, कल मुझे थोड़ा सिलांट्रो पसंद है तो थोड़ा और डालते हैं इसमें, और लेट्स टेक द बाइट। ओ या, लेमन one of the main ingredients this make it taste really good. आँख में चला गया, it's okay, I enjoy meat, so bismillah. Wow, माशाल्लाह ये मजा आ गया। और इधर मैंने अपने नेबर के लिए माइक है उसके लिए मैंने पैक कर दिया, मैंने उसे बोला क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाया हमने, ज़्यादा खाते तो मैं टेस्ट कराऊंगा तुम्हें, एंड बिलीव मी यू विल लव इट। सो आई एम 100% पॉजिटिव, यू लाइक मीट यू गोना लाइक इट। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।